कल अचानक से। यहां जब कल्याणक का विधान परिपूर्ण करके उपाश्रय पहुंचे तो समाचार मिले कि हमारे समुदाय के एक अच्छाधिपति तपस्वी सम्राट आचार संपन्न आचार्य भगवान श्रीमद विजय शांति चंद्र सुरेश्वरती महाराज साहब का स्वास्थ्य बड़ा ही नादुरुस्त है, बड़ी ही अस्वस्थता चल रही है और डॉक्टर ने यह बताया कि अब थोड़ा सा समय है, ज्यादा समय है नहीं। और करीबन 3:30 बजे समाचार मिले कि अच्छाधिपति गुरुदेव हम सबके बीच से चले गए, सभी भक्तों के सभी गुरु ग्रंथों के लगातार समाचार आ रहे थे कि ये क्या हो गया। अभी पिछले साल तो गुरुदेव अच्छाधिपति बने थे, प्रायः 1 साल का अभी पर्याय अच्छाधिपति पद का हुआ था और ऐसे बीच रास्ते हमें छोड़ के गुरुदेव चले गए। क्या उनका जीवन था, क्या उनके तपत्याग की जाहो जलाली थी। वो हमेशा कहते थे कि जीवन में शावकों के पास तो जाहो जलाली धन और दौलत की होती है, लेकिन एक साधु के पास जाहो जलाली तप और त्याग की होती है। और ऐसी जाहो जलाली उनके जीवन में दिखाई पड़ती थी। क्या गजब का तपमय उनका जीवन था, क्या गजब की त्याग की धारा थी उनके जीवन में, हम सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। कहा जाता है कि जब उनको किसी डॉक्टर ने कहा कि गुरुदेव आज व्यासना कर लो या वो जीव एकासना करने की भीष्म प्रतिज्ञा लेकर के बैठे हुए थे, जीवन भर एकास्त की साधना आराधना कर रहे थे और किसी ने कहा कि गुरुदेव आज व्यासना कर दो, आपका स्वास्थ्य नादुरुस्त है, आपका स्वास्थ्य नाजुक है, तो कहते हैं कि व्यासना तो मेरे मरने के बाद आप लोग करना, मैं जीते जी व्यासना नहीं करने वाला, मैं करूंगा तो एकासना करूंगा। और मैं कहता हूं ये परमात्मा महावीर के शासन की जाहो जलाली है कि एक आचार्य हम्बल 74 साल की उम्र में बैठ के ऊपर लेटे हुए हैं और सुबह उनको पूछा जाए गुरुदेव आपकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपकी तबीयत नादुरुस्त है, गुरुदेव आज क्या करोगे। और तब वो जिन शासन के प्रभु वीर के संतान ये कहते हैं गुरुदेव भक्ति श्रीश्वर जी महाराज साहब की परंपरा के एक विद्वान अद्भुत आचार्य भगवान ये कहते हैं जिन्होंने गुरु प्रेम और गुरु सुबोध से लगातार आशीर्वाद प्राप्त किया है, जिनके नीचे रहकर वो पद में है बड़े हुए हैं, वो आचार्य भगवान ये कहते हैं कि तबीयत चाहे कुछ भी हो लेकिन आज मेरा पचकान एकासना का रहेगा और जीवन के अंतिम दिन भी एकासने की तपस्या। जब सुबह थोड़ा समय मिल गया तो साथ में शिष्य थे कल्परत्न विजय जी महाराज, जिन्होंने अद्भुत गुरु की सेवा करी, अद्भुत गुरु की मयावज करी, पूरा जीवन गुरु मयावज के लिए लगा दिया, रात दिन गुरु भक्ति में रत रहते थे। ऐसे कल्परत्न महाराज को बुला करके कहा कि कल्परत्न थोड़ा समय है अभी, मुझे कोई शास्त्र ग्रंथ के पत्ते हो, पेज हो, शास्त्र का ग्रंथ कोई पढ़ा हो, कोई प्रत पढ़ी हो तो मुझे दे दे, मैं थोड़ा शास्त्राभ्यास करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा ज्ञान का अध्ययन करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा स्वाध्याय करना चाहता हूँ। और मैं कहता हूँ कि मौत सामने खड़ी हो फिर भी मुख के ऊपर प्रसन्नता हो, हाथ में शास्त्रों के अभ्यास के पत्ते हो, हाथ में ग्रंथ हो और हृदय में देव गुरु और धर्म की आराधना हो, ये ताकत मात्र परमात्मा महावीर के शासन के साधु के पास ही हो सकती है और किसी के पास नहीं हो सकती। लोग रोते हैं जाते समय कि हमारा समय नजदीक आ गया, हम चले जाएंगे, हम ये संसार को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ये परमात्मा महावीर का शासन ये सिखाता है कि रोते रोते नहीं हंसते हंसते जाना है। इसलिए परमात्मा महावीर भी जब गए तब मृत्यु को महोत्सव बना करके गए और सभी अपने संतान या साधु साध्वी को ये सिखा करके गए कि जीवन में जाना तो रोते रोते नहीं जाना, हंसते हंसते जाना। कितने पुण्यशाली है हम कि जिन शासन मिल गया, ये परमात्मा का शासन मिल गया, ये संयम वेश मिल गया। करोड़ों लोगों में से बहुत अल्प लोग ऐसे हैं जैसा अद्भुत हमारा जीवन है। और मैं कहता हूं कि शांति चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब को श्रद्धांजलि तो क्या दे, उनका जीवन अपने आप में एक जाहो जलाली था, उनका जीवन अपने आप में एक प्रतिभा संपन्न था, उनका जीवन अपने आप में
एक गजब का जीवन था। और ऐसे गुरु भगवान जब हमारे बीच से चले गए हैं, हृदय एक बाजू दुख हो रहा था लेकिन एक बाजू आनंद ये बात का था कि गुरुदेव जाते जाते भी अपने को कितना अद्भुत जीवन बना करके गए, हमें जाते जाते संदेश देते गए कि जीवन में हमेशा ज्ञान के समीप रहना, चाहे मरणांत का कष्ट आ जाए लेकिन जीवन में कभी भी अपने तप त्याग को छोड़ना नहीं। और ऐसे आचार्य भगवान गच्छाधिपति नगर गच्छाधिपति जो हमारे समुदाय के थे वो हमारे बीच से चले गए हैं। और बड़ा ही दुख होता है कि गुरुदेव बहुत जल्दी आप हमारे बीच से चले, बहुत थोड़ा समय आपके साथ में रहने को मिला लेकिन जब जब भी उनको मिले, जब जब भी उनके संपर्क में आए, जब जब भी उनसे परिचय हुआ, एक ही बात थी कि जीवन में तप त्याग बनाए रखना। उनके संपर्क में आने वाले को भी यही सिखाते रहते थे कि जीवन में तपमय त्यागमय जीवन बनाना। आचार्य भगवान क्रिया चुस्त सुबोध सुरेश्वर जी महाराज साहब के वो सुशिष्य रत्न थे। 54 वर्ष का उनका दीक्षा पर्याय था, 74 वर्ष की उनकी उम्र थी, आजीवन एकाष्टक की तपस्या थी, 36 उपवास करीबन उन्होंने जीवन में 20 बार कर लिए थे और भावना थी कि 36 उपवास मुझे 36 बार करने हैं। हर पर्युषणा महापर्व में 28 की आराधना करते थे। आजीवन लीलोत्री हरि का त्याग था, जीवन में कभी हरि चीज को हाथ नहीं लगाया, केले के अलावा बाकी सभी फ्रूटों का त्याग, पूरा धान कभी वो खाते नहीं थे, एकाग्रता करते थे। ऐसे भीष्म तपस्वी जो गुरुदेव थे वो हमारे बीच से चले गए और यहाँ पे उनके चेहरे की प्रसन्नता देखो, उनके चेहरे की तेजस्विता देखो, आपको मालूम होगा कि क्या गुरुदेव गजब का जीवन लेकर के बैठे थे। और ऐसे गुरुदेव जब हमारे बीच से चले हैं तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ हम दो हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं कि हे गुरुदेव आप जहाँ भी हो हमें आशीर्वाद प्रदान करिएगा, आप जहाँ भी हो निश्चित तौर पर हमारे माथे पर हाथ रखिएगा कि हम तप और त्याग के क्षेत्र में आपके जैसा बन पाए, आपसे कुछ न कुछ सीख पाए और निश्चित तौर पर हमारे जीवन को सफल बना पाए, यही हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव आपने तो अपना जीवन सुधार लिया, अपना जीवन संवार लिया, लेकिन गुरुदेव हमें ऐसे आशीर्वाद देना कि हम भी हमारे जीवन संवार पाए, सुधार पाए, आपके जैसा तेजस्वी और तपस्वी जीवन बना पाए। और उनके चले जाने से मैं कहता हूं मात्र हमारे समुदाय को, यानी कि भक्ति सुरेश्वर जी महाराज साहब के समुदाय को नहीं, पूरे जिन शासन को एक तपस्वी की बहुत बड़ी एक कमी हो गई है, बहुत बड़ी कमी महसूस होती है। ऐसे आचार्य भगवान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।